पाँच सालों से जो है भिवंडी के अंदर जो है इनलीगल स्ट्रक्चर और जो इनलीगल रिपेयर्स हो रहे हैं उसका कंटिन्यू काम चालू है। इसके ऊपर जो है महानगर पालिका को थोड़ा ध्यान देना। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ नेटवर्क का स्वागत है। जैसा आपने देखा 21 सितंबर को भिवंडी के अंदर जो दर्दनाक हादसा हुआ जिरानी बिल्डिंग का, इसके बाद में जो हमारी भिवंडी कॉरपोरेशन है, भिवंडी महानगर पालिका, वो एक्टिव हो गई और सभी जो धोखादायक बिल्डिंगें थी उनके ऊपर नोटिस डाला और कई लोगों ने उसको खाली भी कराया। लेकिन यहाँ पर एक मसला इस तरह से आ गया है, धामनकर नाके पे माधव नगर में, ठीक जहाँ पे जिलानी बिल्डिंग का हादसा हुआ था उसके बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे माधव नगर में एक स्ट्रक्चर है, उसका उस बिल्डिंग का नाम है फुग्गेवाला बिल्डिंग। तो यहाँ पे भी नोटिस आया था लेकिन यहाँ पे सब जितने भी ओनर्स हैं उन्होंने सब खाली करवा दिया, लेकिन एक टेनेंट है वो खाली करने से इनकार कर रहा है। और यहाँ पे जो बिल्डिंग है हम आपको दिखाएंगे कि कितनी धोखादायक है कि इसका जो स्लैब है, हर एक स्लैब जो है इसका पूरा सा बैंड हो चुका है, फिर वो सेकंड फ्लोर का स्लैब हो या तो फिर ग्राउंड फ्लोर का स्लैब हो, पूरी तरह से बैंड हो चुका है। यहाँ पे जितने भी कॉलम्स है, कॉलम के अंदर से जो स्टील होता है वो पूरा जंग पकड़ के जो है बाहर आ गया है और काफ़ी ही खस्ता हालत है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले 2016 में एक नोटिस आया था और उसके बाद में कुछ प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो फिर 2020 में एक नोटिस आया, जिलानी बिल्डिंग का हादसा हुआ उसके बाद एक और नोटिस आया। तो यहाँ पे जितने सारे रहने वाले थे, तकरीबन यहाँ पे 15 से 20 फैमिली रहती थी, तो उन्होंने यहाँ पे खाली करवा दिया है। सिर्फ एक टेनेंट जो है उसकी वजह से, जो यहाँ पे जो एक नीचे किराने की शॉप है उसकी वजह से यहाँ पे ये बिल्डिंग खाली नहीं हो रही है और जो इसका स्ट्रक्चर है वो डिमोलिश नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी खतरे की बात ये है कि अगर ये खुदा ना खासा गिर जाता है, ये अपने आप गिर जाता है तो यहाँ पर और भी जान माल का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो बिल्डिंग के ओनर है वो हमारे साथ में खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे किस तरह का जो कॉरपोरेशन की तरफ से या तो फिर इन टेनेंट की तरफ से क्या तकलीफ आ रही है आप लोगों की जो बिल्डिंग है, ठीक है, तो कब से इसकी ऐसी खस्ता हालत है? इसकी ऐसी खस्ता हालत जो है अभी ये जो है सन 2019 से ये खस्ता हालत में चल रही है। तो हम लोगों ने जो है नोटिस आने के बाद में हमने जो है इस पर FIR सब कुछ किया हमने, लेकिन अभी तक के यहाँ के जो भाड़ेकारी लोग थे वो लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। और हम जब खाली करने की बात करते थे तो वो लोग बोलते थे कि बोले हम अभी नहीं खाली करेंगे। अच्छा, तो अभी जब ये बिल्डिंग, जब जिलानी बिल्डिंग का आदेश हुआ उसके बाद में जब हमको नोटिस आई, हमने हमारे भाड़ेकारियों को भी हमने नोटिस लिख करके दिया कि भाई हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, आप अपनी खाली कीजिएगा। तो उसके बाद में लोगों ने खाली करके गए, लेकिन दुकान वाला जो है वो अड़ करके बैठ गया और अड़ के बैठने के बाद में उसने यानी कि स्टे ऑर्डर लेने के लिए उसने कोर्ट में अर्जी डाला और अर्जी डालने के बाद में यानी कि उसने जो है बहुत सी फरोफाती का धंधा खोल लिया। तो जैसा कि मतलब ये है कि हमने जैसे ये ओनरशिप में आने की बहुत कोशिश की, हम लोगों को बहुत बार ब्लैकमेल किया इसने जी। और ब्लैकमेल करने के बाद में हमने इसकी कोई सुनवाई नहीं ली। क्या इनका नाम क्या है दुकानदार का? जय प्रेम जी शाह। इन्होंने जो है इन्होंने हम लोगों को बहुत बार ब्लैकमेलिंग किया और बहुत बार हम लोगों को जो है वो करने की कोशिश किए, लेकिन हम लोग इनके बात पर कोई वो नहीं दिए जी। क्या समझे? और अभी फिर इन्होंने जो है अब ये बिल्डिंग जब टूटने पे आई तो इन्होंने जो है कोर्ट से जो है इन्होंने वो मांगा है और इसके लिए इन्होंने कोर्ट में केस दाखिल किया है। तो आपने इसके ऊपर कोई जवाबी कार्रवाई की? हमने जवाबी कार्रवाई किए है, हमारा भी कोर्ट में हमने दाखिल किए और अभी कोर्ट में हमारा मैटर चल रहा है। अभी आप लोगों ने इसको खाली करा दिया तो अभी आप लोग कहाँ रहते? हम लोग भाड़े के घर में रह रहे हैं अभी जाके, एक तो अब ये बिल्डिंग टूट जाएंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे रहने के वास्ते। ऐसे हम लोग ने बिल्डिंग खाली कर दी है अभी। हाँ। जो खाली भाड़े करी है अभी वो कुछ है और नीचे दुकान वाले है उनको बोल रहे तो लोग कुछ खाली नहीं कर रहे। उनका क्या कहना है, क्या बोलते कि नहीं खाली करेंगे? नहीं खाली करेंगे बोलते। क्या कुछ वजह बता रहे हैं? वजह बोलते हम लोग पुराने लोग है, हम लोग इधर ही रहेंगे। नहीं तो उनको आपने बताया कि अगर टूट जाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान आप लोगों का होगा? हाँ, नोटिस दिया, अर्जी दिए, नोटिस दिए लोग को। अच्छा, अभी देखो क्या करते, लोग खाली करते कि नहीं करते अभी वो लोग। महानगर पालिका की जिम्मेदारी हो खाली कराना, क्योंकि महानगर पालिका में भी नोटिस दिए हुआ है, अर्जी दिया है, अब वो महानगर पालिका समझेगी। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ के एडवोकेट से भी बात की थी, जो फुग्गे वाली जो बिल्डिंग है, जो यहाँ के जो ओनर है, तो वो जो उनकी तरफ से जो वकील, जो एडवोकेट यहाँ पे केस को देख रहे हैं, तो हमने उनसे भी बात की थी, उनके भी क्या रिमार्क्स हैं हम वो देखते हैं। हेलो, ये जो भिवंडी के अंदर डेलिपिटेड बिल्डिंग का मामला है, दामनकर नाका फुग्गे वाली बिल्डिंग, इसको म्यूनसिपल्टी ने 3 बार नोटिस दिया और हम जो है हमारे साथ में हमने जो प्लेंटिव की तरफ से हम हाजिर हुए कोर्ट में, हमारा ऐसा मानना है कि म्यूनसिपल्टी ने जो हमको नोटिस दिया उसका हम सम्मान करते हैं और उसको तोड़ दिया जाए, लेकिन उसमें एक जो टीनेंट है उसने हमारे खिलाफ़ में हमको पार्टी बनाया कोर्ट में, आज कोर्ट में पार्टी बना के आज उसकी तारीख है,
तो कोर्ट जो फैसला करेगा उसके अंदर, कोर्ट के अंदर जहर समाप्त है मामला, कोर्ट को जो भी मुनासिब लगेगा उसके लिए रास्ता निकालेगा। हमारा सवाल म्यूनसिपल्टी से ये है कि भिवंडी में जो इस तरह के वाकयात हो रहे, अगर कल को कोई जानी और माली नुकसान होता है तो आप लोग जो है लैंड लॉर्ड को, जो मकान मालिक है उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। हमारा म्यूनसिपल्टी से ये सवाल है कि जब आपने 2016 के अंदर जो नोटिस दिया था डिमोलिशन का डेलिपेटेड बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपने डिक्लेयर किया था, उसके बाद में आपने उसको तोड़ा क्यों नहीं? और फिर 2012 में आप जो है डेलिपेटेड कंडीशन है रिपेयर करो ऐसा नोटिस देते हैं, इसका मतलब क्या निकाला जाए कि भिवंडी के अंदर इस तरह के जो जिलानी बिल्डिंग का वाकया हुआ उसी तरह के वाकयात और होते रहे, उसको बढ़ावा देने के लिए म्यूनसिपल्टी जो है पेशकदमी नहीं कर रही है, और जो डेलिपेटेड और डेंजरस कंडीशन में जो इमारतें हैं उसको तोड़ने के लिए क्यों नहीं म्यूनसिपल्टी दे रही है? तो वो कोर्ट में म्यूनसिपल्टी को भी पार्टी बनाया गया है, वो भी अपना जवाब दाखिल करेंगे कोर्ट में। हमारा सिर्फ ये बोलना है कि हमने लैंड लॉर्ड की तरफ से जो दावा दाखिल किया है, लैंड लॉर्ड का भी ऐसा मानना है कि अगर वो डेंजरस कंडीशन में है तो हम कोर्ट के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट में हमारा दे रहे हैं, हलफ दे रहे हैं, एफिडेविट दे रहे हैं कि प्लीज़ मेहरबानी करके उसको तोड़ लो, नहीं तो कल को कोई भी मतलब कुछ भी मामला हुए, जानी माली नुकसान होता है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। बाकी कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, कोर्ट का जो भी फैसला रहेगा हम उसको मानने से हमारा हम पूरी तरह से उसका सम्मान करेंगे, मानिए। थैंक यू। हमारी प्रशासन से यही एक दरख्वास्त है कि यहाँ पे जो कोर्ट केस है इसको सालों लग जाएंगे, यहाँ पे डिसीजन आने के लिए, जजमेंट आने के लिए यहाँ पे सालों लग जाएंगे, उसके पहले अगर कुछ हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जो दोनों पार्टी है वो अपनी अपनी जगह पे खड़ी है, जो उनका क्या स्टैंड है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन उसके पहले अगर यहाँ पे हादसा होता है तो पता नहीं ऐसे ही कितनी मासूमों की जान चली जाएगी, कितना जान माल का नुकसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे, हम यहाँ पे आयुक्त साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले को जल्द से जल्द देखें, इसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिवली इसके ऊपर प्रतिक्रिया करें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।